हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो अभी हम देखेंगे पाक फौज की रेडार पर आई इमरान की बीवी हैं, इमरान खान बुशरा बीबी रोस्ट। चलो देखें, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज़ लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। इसमें यहाँ पे एक न्यूज़ आई थी कि इमरान खान को थोड़ी और सज़ा हो गई है, और एक चार काफ़ी सज़ा हो रही है इमरान खान के ऊपर, मतलब साल साल बढ़ते और चार्जेस बन रहे हैं कि सालों साल बढ़ रहे हैं, सालों साल उसकी सज़ा बढ़ती जा रही है और चार्जेस भी आ रहे हैं। एक चार्ज ये था कि उसने जो रिसेंटली अपनी शादी की थी वो इलीगल है। कैसे वो उस पर भी चार्ज कर दिया कि पहले जो उस लेडी थी उसको जब भी उसने मतलब जो भी डाइवोर्स वगैरह हुआ, इतना समय वेटिंग पीरियड होता है, उस वेटिंग पीरियड के बाद ही दोबारा शादी कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ चक्कर से उन्होंने निकाला है कि वो पीरियड खत्म नहीं हुआ था, तो लास्ट जो शादी हुई थी वो भी इलीगल है। ऐसे कर करके पता नहीं क्या क्या केसेस उसके ऊपर लगाई जा रहे हैं। मतलब उनके पास कुछ मेन ठोस कोई केस नहीं है। शादी भी इलीगल है, उसके ऊपर भी केस हो गया। मतलब छोटे मोटे केसेस का घुसा इलीगल है, मतलब जो भी है इलीगल। तुमने रूल पहले नहीं पता था, अब याद आ रहे हैं, अब सारे याद आ रहे हैं। जेल में डालने के बाद उनको सारे केसेस याद आ रहे हैं, कमाल है। चलो वीडियो शुरू करते हैं। अभी आपको अहम खबर देते हैं। इमरान खान को 10 साल कैद की सजा सुनाई गई है। अगर इमरान खान को कुछ भी हुआ ना तो मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। सच्ची है? यह पाकिस्तानी एनिमल मूवी का रणबीर कपूर, जो अपने बाप इमरान की गिरफ्तारी पर आपा खो बैठा है और धमकी देते हुए कहता फिर रहा है, अगर इमरान खान को कुछ भी हुआ ना तो मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। अभी मीठे बस कर, जिस दिन इमरान जेल से आया तुझे कहीं का नहीं छोड़ेगा। वैसे भी वो ठर की लड़का लड़की को बिना किसी भेदभाव के पहलता है, क्योंकि इमरान खान का तो सिर्फ एक ही सिद्धांत है, अपने को क्या है, अपने को सिर्फ पानी निकालना है। और बंदा यही तो बरसों से करता आ रहा है। चार चार शादियाँ, 85 महिलाओं से अवैध संबंध, इसके अलावा बंदे की आए दिन ऑडियो लीक भी होती रहती है। जब तुम थक जाओगे ना तो फिर मैं पीछे डालूंगा। देख रहे कैसी गंदी गंदी बातें करता है आदमी। और इतना सब करने के बाद बंदे का कहना होता है, जागी हुई कौम को और जगा रहा हूं। अरे साले, पूरी कौम को जगाना है, कौम के शरीर के एक हिस्से को नहीं। तू समझा? नहीं, तू समझा नहीं। पापा, इससे पहले कि तुम इमरान खान की लीक ऑडियो मांगो, उससे पहले मैं क्लियर कर दूं, ये हमारे पास बिल्कुल नहीं है, हम इनको बिल्कुल जो है वो लीक नहीं कर रहे। मतलब ये बंदा जब से राजनीति में आया है पूरे पाकिस्तान का माहौल ही हबसी बनाया हुआ है। बंदे की समर्थक खुद खुलकर बोलती फिरती है। खान साहब को पहली दफा लाइव देखा है, बहुत खुश हुई है, दिल खुश हो गया। दिल खुश हुआ तो दिल खुश होता तो कुछ कहने को दिल करता है, क्या कहेंगे। लेकिन ये बकचोदी यही खत्म नहीं होती। बंदे खुद तो इमरान के साथ बेडरूम में जाने को तैयार है ही, बल्कि अपनी अम्मी को भी। और आपकी अम्मी क्या चाहती है इमरान खान के लिए? वो इमरान खान से शादी करना चाहती है, उनकी बहुत बड़ी फैन है। आपकी अब्बा कुछ नहीं बोलेंगे? नहीं। लो, हो गया मर्दों का काम। भाई अब्बा कुछ बोले भी क्यों, ककड़ा खान ने उनका भी अपनी रैली में अलग इंतजाम किया होता है। ने क्या कहा? उन्होंने ये कहा, पीने दो चिलम, मुझे पीने दो चिलम, जितने भी पीऊं है कम। और भाई यही कारण है कि इमरान खान के समर्थक अपने मालिक के एक इशारे पर बिल्कुल फूकने को तैयार हो जाते हैं। अब कहां है? यही तो हुआ था कुछ महीनों पहले, बंदे के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट क्या निकला, इसके समर्थक तबाही मचाने सड़कों पर आ गए और चरस फूक कर फुल जोश में कहने लगे, पाकिस्तान खूनी इनकलाब मांग रहा है और हम खूनी इनकलाब लाएंगे। इमरान खान के साथ खड़े, इनको हमारी लाशों से पड़ेगा। अपने लीडर जब पाक फौज बंदों को पहलना शुरू किया, खत्म हो गया। इन्होंने हमें पत्थर मारे, इन्होंने शीशे की बोतलें मारी, इन्होंने डंडा मारे हम लोगों को। ये देख सकते हैं इस तरह कार्यक्रम में जुम्मा खत्म किया जा रहा है। बस हवा निकल गई। मतलब बंदे आए दिन पाक फौज द्वारा पहले जा रहे हैं, इमरान खान समेत पार्टी के सारे नेताओं को ठिकाने लगा दिया गया है, फिर भी कटोरा खान समर्थकों की बकचोदी। हर पाकिस्तानी घर से निकल रहा है इमरान खान की मोहब्बत में, वो वाहिद लीडर है जो इस मुल्क को बचाएगा। मतलब कटोरा खान को खुद को बचाने के लाले पड़े हुए हैं। महीनों भर से बंदा जेल में सड़ रहा है, यहाँ तक कि उसकी बीवी बुशरा बीबी तक को गायें के बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को 14 साल कैद की सजा सुना दी गई है। उसके बावजूद भी पोरकियों के ख्वाब, वो वाहिद
लीडर है जो इस मुल्क को बचाएगा। इस सर फिर पागल हो गया। कटोरा खान ने बकचोदी में बहुत फैलाई हुई थी, बंदे को सत्ता का सुख भोगने को क्या मिला। बंदा आज दिन इंडिया और विपक्ष को धमकी देता रहता था। शरीफ कहते हैं खाना अच्छा नहीं है जेल का, एयर कंडीशन लगा दो, टीवी चाहिए जेल में। मैं इनको एक एक को जेलों में डालूंगा। राणा सुना हुआ तुम्हें मूछों से पकड़ के जेल में लेके जाऊंगा। कटोरा खान की गिरफ्तारी के बाद जेल में पहुंचकर राणा सनाउल्ला, निकाल मूछ मेरी अब मुझे याद नहीं। अबे निकाल निकाल मैं कहता हूँ मूछ निकाल। खत्म भाई। कटोरा खान इतना तगड़ा नौटंकीवाद है कि महीनों भर तक लोगों को टांग के नाम पर चूतिया बनाता रहा था। जब जब पुलिस इसको गिरफ्तार करने आती, बंदा अपनी टांगों को आगे करके, मेरी एक टांग नकली है, मैं हॉकी का बहुत बड़ा खिलाड़ी था, एक दिन उदय भाई को मेरी किसी बात पर गुस्सा आ गया, जैसे मेरी टांग ठीक होगी मैं फिर सड़कों पे होऊंगा। इसकी टांगों की सच्चाई वो क्या बेचारे निकालेंगे, वो बेचारा यू नो वो भी मुझे ये कटोरा खाने खिलौता नौटंकी बाज नहीं है, इसके समर्थक भी ऐसे सारा, हैं। सारा पाकिस्तान ऐसा ही है। गिरफ्तारी का इंटरनल मैटर पाकिस्तान का, सजा सुनाई पाकिस्तानी कोर्ट ने और बंदे तबाही मचाने सड़कों पर कहां निकल आए लंदन में। इमरान खान की गिरफ्तारी खिलाफ लंदन में पाकिस्तान हाई कमीशन और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की रिहायश गाह के बाहर मुजाहरे किए गए। इमरान खान हमसे खिताब करके बोले कि वो बिल्कुल ठीक है और वो अगर एहतजाज करने वाले लोगों को सबको पुरअमन रहने का बोलेंगे तो ही आवाम ठंडी बैठेगी। खुदा का वास्ता आवाम को मजबूर मत करें कि वो कानून हाथ में लेते हैं। हमारी डिमांड ये है कि इमरान खान साहब को फौरी तौर पर रिहा किया जाए। पोर्टो ने लंदन को भी पाकिस्तान बनाया हुआ है, हर तरफ तबाही। जैसे इमरान खान को सजा पाकिस्तानी कोर्ट ने नहीं, यूके की किसी कोर्ट ने दी हो। पुलिस का जीना हराम किया हुआ है। क्या और भाई इन पोर्टो की नौटंकी। इधर कटोरा खान समर्थक नवाज शरीफ के घर के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे तो उधर नवाज शरीफ समर्थक प्रदर्शन करने कहां पहुंच गए। लंदन में इमरान खान की साबिक अहलिया जमायमा के घर के बाहर लीगी कारकुनों का एहतजाज जारी है। भाई इन पोर्टो के ड्रामे देखकर इमरान की पूर्व पत्नी जमायमा भी सोच रही होगी, इस मनहूस घड़ी में इस जाहिल देश की बहू बनी, साले तलाक के बाद भी पीछा नहीं छोड़ रहे। बंदी जब जब इन पोर्टो को अपने घर के बाहर देखती होगी सोचती होगी कोई कितना गवार हो सकता है, जाहिलियत की भी हद होती है। लेकिन पोर्टो को इस सबसे फर्क भी क्या, पोर्टो को अपनी जाहिलियत में भी काबिलियत नजर आती है और इसी वजह से इनकी औकात दिखाने के लिए आना पड़ता है हम जैसे भाइयों को, जो न सिर्फ इन पोर्टो को इनकी असली औकात दिखाते हैं बल्कि जमकर ठुकाई भी करते हैं। तो भाई जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करें और आनंद लें इन पोर्टो की ठुकाई का। और हाँ, जो कुछ देशद्रोही और पोर्की कहते हैं, लेकिन मैं तो दिल में रखा हुआ इमरान खान को अपने गांव में रख लिया, हमें उसे क्या काम है। तो भाई आखिर में मैं बस इतना कहूंगा कि पोर्टो को पेलने की माय गॉड, इतना मजेदार था, साफ दिखा दिया कि वैसे लंगड़ाता है, कहता है जब मेरी टांग ठीक हो जाएगी इमरान खान तो फिर मैं बताऊंगा, और वहां क्या बात करते करते उसको याद ही नहीं, उसने अपनी आराम से टांग उठा के। इमरान खान जब पावर में था काफी करता तो तब स्ट्रांग मतलब हो रहा था, फिर बीच में कुछ ऐसा घपला हुआ है कि अब देखिए ही इज इन जेल 10 साल और इंक्रीज करते जा रहे हैं। जैसे मैं कह रहा हूँ एक और एलिगेशंस लेके आ रहे हैं और पॉइंट्स लेके आ रहे हैं, उसको जेल में रखा हुआ है, उसकी पार्टी को भी इनवैलिडेट कर लिया, पार्टी का सिंबल बैड था उसको भी हटा दिया, तो मतलब बिल्कुल ही उसको हाँ, और कोई खड़ा ही नहीं और आप कोई बोल ही ना उसके अगेंस्ट, मतलब उसके साथ कोई नहीं है। मेरे ख्याल से शुरू होने वाले होंगे उनके, और तो मतलब बेसिकली ये डायनेस्टी वालों ने मिलकर बहुत ही जबरदस्त षड्यंत्र करके उसको पता नहीं क्या किया है। और वो क्या है, उसकी बीवी को भी 14 साल की जेल करा दी है, उसको भी जेल हो गई है, तो वो वहीं पे पाकिस्तान में थी क्या? गया था ना कि इलीगल मैरिज थी ये सब तो नहीं बताया इन्होंने, बस ये बताया 14 साल की। हाँ, तो 14 साल की बीवी को भी जेल हो जाएगी, बीवी के ऊपर और भी चार्जेस है, सबके ऊपर और चार्जेस है, मल्टीपल चार्जेस ऑन मल्टीपल पीपल और एड ऑन कर रहे हैं, फाइंड कर रहे हैं, तो मतलब थोड़ा ये तो बुरा फंसा है, जेल से निकलना मुश्किल है। उसको चॉइस दी तो थी कि देश छोड़ दे या तो जेल में फंसा दे, जैसे कह रहे हैं पार्टी के मेन लीडर्स कहीं छोड़ के चले गए, कोई भी नहीं अब खड़ा होता, लोग भी ऐसा नहीं है कि बाहर आके फाइट कर रहे हो, कोई भी नहीं कर रहा, सब चुपचाप बैठे हुए, सब दुबक के बैठे हुए हैं। उसमें सबसे मजेदार ये था कि देखो इतने बेवकूफ हैं, अपने देश में जो हो रहा है उसके लिए यूके में जाके कर रहे हैं
पागल हो क्या तुम? पता नहीं कहीं के जेल में ढूंढने लग जाए कहां इमरान खान, कहां इमरान खान। इतने मतलब दिमाग ही नहीं है इन लोगों में। ऊपर से वहां पे वो जो पुलिस वाला था वो इतना दुखी हो गया कि कौन जाहिल लोग आ गए कि वो जोर से बोला पीपल कॉम डाउन। वो कह रहे हमें क्या लेना वहां पे क्या हो रहा है, तुम पाकिस्तान में बैठे हो, तुम यूके में बैठे हो, वहां पे तभी तो गलत नाम जा रहा है, बदनामियां हो रही हैं। और ये सब बोलते होंगे कि भैया इनको निकालो, किनको ले आए अपने देश के अंदर, काम ही ऐसे कर रहे हैं, हद ही हो गई यार। वहां पे खड़े होके उनको, वहां के लोगों को दुखी कर रहे हैं, वहां की पुलिस को दुखी कर रहे हैं, कमाल है। तो चलो अभी शेयर करना अपने थॉट्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।